जिले में सोमवार की देर रात मानसून ने धमाकेदार दस्तक दी है। सोमवार की रात करीब 12 बजे गरज चमक के साथ शुरू हुआ बारिश का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार 94.8 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। विभाग के अनुसार मानसूनी बारिश का पुनर्अनुमान 17-18 जून तक था। इस बीच सोमवार की रात 10 बजे के करीब दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपरी हवाओं चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र बन गया, जिससे बिहार के पटना तक पहुंच चुका है। मानसून अचानक पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक चूंकि यह स्थिति अभी भी बनी हुई है, ऐसे में बारिश का यह सिलसिला फिलहाल 2-3 दिन तक जारी रहेगा। पूर्वानुमान है बारिश के चलते शहर में कई स्थानों पर जलजमाव की स्थिति बन गई है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन किसानों के लिए यह बारिश अमृत समान मानी जा रही है। इसमें किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जिन किसानों ने धान की नर्सरी तैयार कर ली थी, वह रुपाई के लिए खेत में जुट गए हैं। मानसून समय से पहले आ जाने से धान की फसल बेहतर होने के अनुमान है। फिलहाल बारिश के कारण शहर में हर तरफ जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जिला अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी के बाहर जल भराव के कारण मरीजों व तीमारदारों को दिक्कत हुई तो सीएमओ कार्यालय के सामने पानी भर गया। धर्मशाला ओवरब्रिज के नीचे कई फीट ऊंचाई तक पानी पहुंच जाने के कारण आवागमन ठप हो गया। मुंशी प्रेमचंद पार्क मार्ग नगर विधायक के आवास के बगल में जल भराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राम कृपाल व प्रखर तिवारी ने बताया। राम कृपाल, हर बरसात में जब पानी गिर रहा है तो बरसात में ऐसा ही लगे, थोड़ा भी पानी बरसता है तो जान लग जाता है पानी का। ये हमेशा होता है कि ये मतलब नहीं हमेशा होता है। प्रखर तिवारी, पूरा रास्ता हमारा व्यस्त हो गया, गाड़ी हमारी फंस गई थी, हमें उसको ढकेल के लाना पड़ा और ये पूरा का पूरा रास्ता आगे भरा ही हुआ है, पता नहीं कितना पानी है क्योंकि आधे रास्ते पर हमारी गाड़ी बंद हो गई थी। ये हमेशा होता है कि ये मतलब एक दिन बरसात नहीं, ये जब बारिश होती है तब ऐसा हाल होता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये गली हमेशा ही। आगे पंपिंग सेट भी लगा हुआ है इस रोड से पानी निकालने के, लेकिन वो काम करता है नहीं करता है पता नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अंदर गोरखपुर के नगर विधायक का घर भी है, लेकिन यही हाल है।